हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे इस एप्लीकेशन का कमाल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या होता है कि व्हाट्सएप में कई लोग ऐसे होते हैं जो आप लोग को काफ़ी बड़े बड़े मैसेज करते हैं या फिर वो जोक्स हों या फिर वो कोई भी बात हो जिनको आप पढ़ना तो चाहते हो, लेकिन जब आप उनको स्क्रॉल करते हो और देखते हो कि कितने भी बड़े हैं तो फिर आप डर जाते हो कि नहीं यार, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा और मैं इतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अब मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप जैसे ही इस टेक्स्ट को कॉपी करोगे ये आपको सीधे पढ़ के सुनाएगा। तो चलिए देखते हैं। लो ये हाई नाया, अभी तक AMSG किसी ने पोस्ट नहीं किया। एक रूम में 5 दोस्त रहते थे। और कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिनको जो लंबे भी होते हैं और जिनको आपको स्किप करके पढ़ना होता है, तो इसमें एक ऑप्शन स्किप का भी होता है जिसके आप उसको 10 सेकंड स्किप करके हर फुल स्टॉप पे वो स्किप होता रहेगा। ये जो बटन देख रहे हैं ब्लू कलर की जो लाइन बनी हुई है उसमें बटन बनाया हुआ फॉरवर्ड का, उसको आप प्रेस करते रहोगे तो अगले फुल स्टॉप तक आप पहुंचते रहोगे। अगर आपको जल्दी जल्दी ये चीज पढ़नी है तो आप उसको दबा सकते हो ताकि वो अगले फुल स्टॉप पे चला जाए। तो जैसा कि देखिए, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या पागल जी? दिमाग तो बाथरूम में है। पुलिस और बेवकूफ पागल जी, मैं तो पागल हूँ, बेवकूफ तो मैसेज पढ़ रहा है। हा हा हा, 2018 अपेजती, जल्दी फॉरवर्ड करो नहीं तो ये मैसेज। तो इस तरीके से आप जो है आप बड़े मैसेज पढ़ सकते हो और अगर आप बैक भी कर देते हो तो भी वो आपको पूरा पढ़ के सुनाएगा चाहे आप कोई और एप्लीकेशन खोल दो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग में जाके लैंग्वेज चूज कर लेनी है। लैंग्वेज की सेटिंग पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कोई भी जो आपने लैंग्वेज चूज करी होगी, फिर आपको उसमें प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगू, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जिन भी लैंग्वेज में आप चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं चाहे फिर ब्राउजिंग कर रहे हो तो वो आपको ये पढ़ के सुनाएं। आप ओपेरा मिनी में कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी ब्राउजर में आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर मान लीजिए आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है। उसके बाद one point to another without traversing the physical space between them. It is a common subject in science fiction literature, film, video games and television. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको ये सब पढ़ के बता देता है और काफ़ी अच्छे से, तो इस तरीके से आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं हैं इस चक्कर में क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेशनल चीज़ें आप कान में लीड लगा के इसको कॉपी करके सीधे पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप कॉपी करने में ही ये सीधे आपको इतने सारे फायदे आपको बता दे रहा है, बोल के बता दे रहा है? तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ ये कौन सी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो चुकी है ऐप, यहाँ पे इनेबल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग दिए हैं, सेटिंग में आप लोगों को यहाँ पे मिलता है कि आपको बोलने की स्पीड कितनी रखनी है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल हो, स्लो हो, फास्ट हो, वेरी फास्ट हो। उसके बाद पिच, मतलब कि वो जो आवाज़ है वो कैसी हो, भारी हो, हल्की हो, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ और भी सेटिंग दी हैं कि वो आपके नोटिफिकेशन पैनल पे आए कि ना आए और वहीं से आप बंद कर सकते हो। तो इस सारी सेटिंग को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, बस याद रखें इनेबल करना है, कॉपी करना है और जैसे ही आप कॉपी करेंगे ये अपना बोलना शुरू कर देगा। तो अगर आपको ये ऐप अच्छी लगती है तो ज़रूर से इसे डाउनलोड करिए और लाइक करिए हमारी इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। और इस ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।